भाई बिग बॉस देखो, दबा के आंधी उतार रखी है अल्विश यादव ने भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो क्या हाल चाल आपके, आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया। तो भाई आज शुरुआत करते हैं अपने ब्लॉग की, यानी आज मेरा सेकंड ब्लॉग है, कल मेरा इंटरव्यू ब्लॉग आपने देख ही लिया। और आज करते हैं अपने YouTube की जर्नी स्टार्ट, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं अपनी YouTube की जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड प्लीज़ आप लोग सभी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, एंड जल्दी बहुत अच्छी जगह मैं आपको घुमाने वाला हूँ। फिलहाल आज मैं कर रहा हूँ अपनी डेली ब्लॉग की शुरुआत, एंड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सपोर्ट करो यार, भर भर के दबा दबा के सब्सक्राइब करो। सो करते हैं आज दिन की शुरुआत। तो भाई आज थी छुट्टी, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ बनाया जाए। ये मेरा बेटा है और ये कह रहा है क्या खाना है आपको, केक खाना है। सो ये केक बनाने के लिए कर रहा है, इसके लिए केक बनाते हैं, और बहुत ही अच्छा सा केक मैं बनाना जानता हूँ। कौन सा खाओगे पहले ये बताओ, पहले मीठे वाला। इसको बस टेस्ट से मतलब है कि मीठा होना चाहिए केक, बट आज वॉलनट सिनेमन केक बनाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। क्या शैतानी कर रहे हो आप? तो ये मेरे साथ सामान इकट्ठा कर रहा भाई। सो भाई सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लिए मैंने, शुगर पाउडर, ये मैदा, और ये सिनेमन पाउडर, और ये वनीला एसेंस, ये बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, एग्स, वॉलनट एंड कंडेंस मिल्क। सो ये चीज़ें इसमें डलेंगी। सो स्टार्ट करते हैं इसके बनाने की। सो अभी तक जो इंग्रेडिएंट्स में डले हैं वो सारे नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स थे, जो अभी मतलब सभी लोग केक में डालते हैं। अब जो इसमें डलेगा वो है सिनेमन, और ये आपका क्या है, वनीला एसेंस, और क्या डलेगा, वॉलनट। हाँ मेन तो ये है वॉलनट। वॉलनट मैं आधे इसमें बिल्कुल क्रश करके मिक्सी में बिल्कुल वो कर लूँगा, इसे पाउडर फॉर्म में ले आऊँगा। पाउडर नहीं बन पाता, मतलब थोड़ा सा ड्राई नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऑयल होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वैसा मतलब हलवा टाइप से बनता है। तो इसमें कुछ वो डालूंगा और थोड़ा इसमें चंक्स डालूंगा इसके वॉलनट के, तो उससे जो वॉलनट के चंक्स होते हैं वो जब लास्ट में मतलब जब आप केक खाते हो ना वो बहुत टेस्टी लगते हैं। सो अभी पहले मैं इसको मिक्सी में थोड़ा ग्राइंड करूँगा, और उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ आपको, मैंने क्या क्या डाला और क्या क्या किया है इसमें। एक बार इसकी कंसिस्टेंसी देख लो, मतलब ये थोड़ा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो रहा। अब मैं इसमें जो मैंने वॉलनट के पीसेस करे थे वो मतलब ग्राइंड किया था उसको, जो उसका पेस्ट टाइप का बना था, सॉर्ट ऑफ पेस्ट ही कह सकते हैं इसको, वो मैंने इसमें डाल दिया। और इसी के साथ साथ मैं इसमें थोड़े ना चंक्स टाइप के, मतलब आगे आके दिखाओ एक बार, ये इसको ना ये जो पावो होते हैं इसके टुकड़े, उसको थोड़े छोटे छोटे कर लेना। इसको ऐसा मत सोचना कि ये बहुत हार्ड लगेगा, ये ना जैसे जैसे बेक होगा उसी हिसाब से ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैंने इसके ये टुकड़े भी कर लिए हैं, और वो भी इसमें डाल दें। एक बार दोबारा चलाते हैं इसे, अब
इसका एक कलर बिल्कुल इसका ऑलमंड कलर जैसा हो जाएगा। तो भाई कुछ हाफ रेडी होने के बाद, बर्तन में ट्रांसफ़र होने के बाद, और कुछ ऐसा लगता है ये। और मैंने इसके साइड का जो पेपर था वो कट कर दिया। अब मैं इसे एज इट इज़ उठाऊंगा क्योंकि अभी ये गर्म नहीं है, और इसे इसमें ओवन में ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये मैंने रख दिया, इसको ऑन कर दिया बंद। ये 200 पे किया सेट, और ये मैंने कर दिया 1 घंटे के लिए ऑन। सो इसको आप 1 घंटे बाद देखते हैं। तो 1 घंटे बाद देखते हैं कैसा बना। भाई गर्मी में हालत ख़राब हो गई और कपड़े भी सड़ा लिए, बट मेरे बेटे ने कहा था तो मेरे को उसके लिए बनाना ही था। तो 1 घंटे बाद दिखाता हूँ ये कैसा बनता है। ड्राई केक बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। सो ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गया। सो हमारा केक रेडी है, कम्प्लीटली बेक हो चुका। मैं दिखाता हूँ एक बार बाहर निकाल के। सो मुझे इसको बाहर निकालने के लिए ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, गर्म होगा भाई अच्छे से, अच्छे वाला गर्म। और भाई कुछ ऐसा निकल के आया, कम्प्लीटली बेक हो चुका भाई ये। क्या करना है? एसी मतलब एसी चला दूं? एसी तो बेटा अभी नहीं चल सकता, अभी नहीं, थोड़ी देर में चलाएंगे, है ना। आप मम्मा के रूम में अंदर बैठ जाओ, वहाँ पे एसी चला हुआ है ना। केक को अभी अंदर लेके चलते हैं, पहले कट तो कर लो इसको, कट करो। आप देखो कैसे, आप नाइफ उल्टा क्यों पकड़ रहे हो? आपको कहाँ से खाना है? यहाँ कॉर्नर कट करो ना। ओके नाउ दिस साइड। वाओ, तो भाई देखो ये कितना, पूरी तरीके से पक चुका और काफी स्पंजी है। तो ये था भाई केक, फाइनली केक बना लिया। अब इसे खाते हैं, टेस्ट करते हैं। टेस्ट ऑलमोस्ट अच्छा ही होगा क्योंकि हमेशा अच्छा ही बनता है। फिर भी कर लेता हूँ एज यूजुअल, अच्छा है, बढ़िया बना। हमारे घर में सभी को एक एक पसंद है, और कभी भी मैं इसमें कोई चीज़ नाप के नहीं डालता, मेन वो ये है। नाइफ दिखा रहा है आपको। हेलो करते, हेलो, कैसे हो आप? ठीक हूं। आप कैसे हो? पूछ तो लो। ठीक हूं। आप बताओ ना, आप कैसे, पूछो ना आप कैसे हो। मैं ठीक हूं। आपसे पूछ रहे थे। तो मिलते हैं यार थोड़ी देर में इसको खा के, और फिर लंच करते हैं, फिर बाहर निकलते हैं थोड़ा शाम को। आज छुट्टी है तो छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं घर पे। सो भाई टाइम हो रहा है 4:07, तो खाना पीना हो गया। एंड अभी भाई बिग बॉस देखो, दबा के आंधी उतार रखी है अल्वेश यादव ने भाई। मेरे हिसाब से तो भाई ये जीतेगा बंदा। डेफिनेटली जीतना भी चाहिए भाई, जिस हिसाब से खेल रहा है बिल्कुल बंदा शांत सिंपल। आपके हिसाब से कौन जीतेगा, आप भी एक बार बताना यार। तो भाई थोड़ी देर बिग बॉस देखते हैं और फिर देखते हैं क्या।
मेरे हिसाब से तो भाई एलविस जीतेगा, आपके हिसाब से कौन जीतेगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और बहुत अच्छा लग, मतलब शो बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब एलविस के आने के बाद बहुत सही निकल रहा है शो। पहले इसको वाइल्ड कार्ड एंट्री दी है और ज़बरदस्त आना कोई और चाह रहा था, समझ तो आप गए होंगे, उसका भी नाम आप कमेंट करके बताना। कोई और आना चाह रहा था, उसने कॉन्ट्रोवर्सी भी स्टार्ट की थी, बट फाइनली एलविस आ गया और इसके आने के बाद भाई बिग बॉस ज़बरदस्त नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। मैं ऑलमोस्ट डेली देख लेता हूँ, बस इतना टाइम नहीं मिल पाता, बट फिर भी बहुत मस्त है। तो भाई बिग बॉस इतना मस्त चल रहा है कि मैं मतलब लास्ट 3 घंटे से यही देख रहा हूँ और अभी 8 बज गए एंड इसे देखते देखते मैं पहले टीवी पे देख रहा था और अभी मोबाइल पे, देखो 8:10 भाई ज़बरदस्त चल रहा है, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। सो अभी थोड़ा इसे छोड़ता हूँ, एक बार ये टास्क कंप्लीट होने दो, उसके बाद इस यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कुछ बाहर वाहर जाते हैं और खाना वाने की प्लानिंग करते हैं कुछ। एंड मोमेंट पे यार एक चीज़ गलत हो गई सर, टिकट टू फिनाले जो मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए था एलविस को, बट अनफॉर्चुनेटली उसको मिला नहीं यार, वो डिजर्व करता था यार, जिस हिसाब से उसकी टीम उसके साथ काम कर रही थी भाई, रियली अप्रिशिएट भाई, ज़बरदस्त खेल रहे थे, बट पता नहीं क्या हुआ एंड में उसको टिकट टू फिनाले नहीं मिला। सो देखते हैं फाइनल में तो वो पहुँच ही जाएगा, आप क्या कहते हो कमेंट करके बताना भाई, फाइनल में वो पहुँचेगा और क्या उसे टिकट टू फाइनल मिलना चाहिए था या नहीं, मेरी राय तो मैंने आपको बता दी, आपकी क्या राय है ज़रूर बताना कमेंट में। सो 20 मिनट में कन्फर्म हो गया कि क्या होना है क्या नहीं, जो लास्ट 3 आवर्स से मैं बिग बॉस कंटिन्यू देख रहा था, चलो होता है ऐसा भी। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर करके ज़रूर बताना अपने फ्रेंड्स को कि भाई भाई का नया चैनल खुला है, सो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आप लोग भी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी, यानी कि कल, ये मेरे डेली ब्लॉग चैनल होगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम हैंडल भी मैं आपको दिखा दूंगा, स्क्रीन पे ही आपको दिख रहा होगा। सो मिलते हैं कल, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।